हाय गाइस, मैं नवीन सैनी फ्री टेक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही होगी। लेट स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है विदाउट टाइम वेस्टिंग, रैशनल नंबर पार्ट फर्स्ट। रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/5, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं आएगी। क्या ये क्यू की वैल्यू जीरो, जैसे 5/0 नहीं आएगी, हमेशा 5/1 आ सकता है, नीचे 1 आ सकता है, ठीक है। नहीं भी होगा, 3 है तो भी हम नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। 3/4 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। 5/3 ये भी एक क्या है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि रैशनल नंबर है। 2/3/5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर जैसे फिर 2/3/8 तो 2.38 के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बात ये रिपीटिंग हो रही है, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे रूट 16 की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। रूट 16 की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है, ये भी क्या है कि रैशनल नंबर है। अब आती है बात इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो जैसे √2, √3 ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे पाई की वैल्यू होती है 3.1, अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 22/7 जो काफी बार क्वेश्चंस में दी रही होती है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। आप सोच रहे होंगे ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है लेकिन ये क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। देन हम आपको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पे। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में हम फाइंड कैसे करें, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, देखो पहला क्वेश्चन लिया -2 और 6, दूसरा ले लिया हमने 3/5 और 4/5। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ये दो रैशनल नंबर इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर, यानी बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना हम निकालेंगे। जैसे हम इससे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो -4 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये रैशनल नंबर होंगे डायरेक्ट इसके। बात आती है फ्रैक्शन की फॉर्म में, कि फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे निकालेंगे। देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। देन ऊपर 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर हमें देखते हैं तो 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर पता नहीं चलता कि कोई भी नंबर है या नहीं, क्यों, ये कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर देंगे। जैसे 3/5 और 4/5, मैंने क्या कर दिया, 5 से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर से, बट एक शर्त है, कंडीशन है, डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर सेम आएगा। 3/5 15, 4/5 25, 4/5 20 एंड 5/5 25, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 15 और 20, ये 3 और 4 से 15 और 20 बन गया, तो इनके बीच का नंबर कौन सा है, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 4 नंबर, क्या गए, 4 नंबर। इसी तरह से हम इंक्रीज करेंगे तो आगे के नंबर भी आते जाए। इस तरह से दो रैशनल नंबर के बीच में हम
काफी सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। देन हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, कि किस तरह से रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक नंबर लिया आपने 3/4, क्या लिया 3/4। हमारा टारगेट सिंपल एक टारगेट होता है कि जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सिंपली इजी हो जाता है। एक ये है, ये 0, ये 1, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। ठीक है, अब देखो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज बड़ा हो, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं हो, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और यहाँ पे कोई भी यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं हो, तो हम क्या करें, हमारा आंसर किस में आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो देखो नीचे 4 है तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 2/4 3/4 और 4/4 कैंसिल होकर क्या बन जाता है, नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर आएगा तो वो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 3/4, तो ये आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, देन हम एक और क्वेश्चन, मान लो 7/3 ले लिया, क्या ले लिया, 7/3 ले लिया। अब 7/4 डिनोमिनेटर छोटा है, अब क्या करेंगे, डिवाइड करके क्या कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, 3 2 6 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 2 1/3 2 1/3 लिख सकते हैं। तो देखो फिर हमने 0 1 2 3 4 मैच कर लिया। ठीक है, ऐसे आप देखो 2 यहां पे क्या गया, 2 आ गया, तो 2 0 1 और 2 यहां चलेगा। अब क्या बच गया हमारे पास, 1/3, क्या बच गया, 1/3 क्या है, बड़ा है 1 से, तो हम इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1/2, तो 1/3 2/3 और 3/3 कट के क्या हो जाता है, नेक्स्ट नंबर में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 है तो 1/3 दिया गया, हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ये प्लस किए इस साइड, हम क्या कर सकते हैं, माइनस का कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस साइड माइनस का कर सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर था नंबर लाइन में। देन नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एडिशन, क्या आता है एडिशन। एडिशन के कुछ क्वेश्चंस है, देखो क्वेश्चन है 3/7 + 6/7, दूसरा है 5/12 + 2/9, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, पहला है 4/5 from 2/3, दूसरा है -6/11 from -3/5। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ये कुछ क्वेश्चन है। एडिशन में हम क्या करेंगे, देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एलसीएम नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, वही का वही नंबर लिख देते हैं। देन हम क्या करेंगे, प्लस है तो ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे, माइनस है तो ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे। देखते हैं 3 + 6 कर दिया तो कितना आ गया, 9/7 आ गया। क्या आ गया, 9/7। सेकेंड क्वेश्चन क्या आते हैं, 5/12 + 2/9, अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। देखो 2 6 12 2 3 9 3 1 और 3 3 3 1,
तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 9 = 36, क्या आ गया 36। एक 36 ऐसा नंबर है जो इन दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। तो हमने क्या किया 36 ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। अब 12 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, 4 टाइम, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 12 हो जाएगा 36, 4 × 5 + 9 3 × 5 + 9 × 36 = 4 × 8 / 15 + 4 = 8 / 23 = 23 / 36। इस तरह से हम क्या करेंगे, एडिशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन हमारे पास आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का पहला है 4/5 from 2/3। फ्रॉम जब सब्सट्रैक्शन होता है तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं -4/5, ठीक है। देन वही सेम हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का कितना आएगा, 15 आएगा, 3 × 15 = 5 × 5 = 10 - 5 × 15 = 3 × 3 = 4 = 12। तो हमारा आंसर क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गए कितने बचे, 2 बच गए। बड़ा नंबर कितना है, इसका है माइनस का, तो हमने लगा दिया -2/15। देन सेकंड देखो -6/11 from -3/5, देखो -3/5 - -6/11, ठीक है। हम क्या करेंगे, 11 × 5 = 55, दोनों का एलसीएम ले लिया, 5 × 55 = 11 × 11 = 33 - 33 - 11 × 55 = 5 × 5 = 30 - 30। तो देखो ये 55, ये -33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30, क्या हो जाएगा +30। देन नेक्स्ट करते हैं, देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, 33 में से 30 गए तो कितने बचे 3। बड़ा नंबर क्या है आपके पास, माइनस का, माइनस का माइनस, नीचे 55, इसे 55 लिख दिया हमने। इस तरह से ये क्या है, माइनस हम करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।